Good morning, students. This is online classes conducted by St. James School and College. Today, I am going to teach you 4 chapter of chemistry. This is atomic structure and this video is for class 8. Okay? Previous, हम लोगों ने ये chapter पढ़ा था, कुछ चीजें explain हुई थी, जिसमें हम लोगों ने discovery of electrons का पढ़ा था, ठीक? आज हम लोग next move करते हैं in the discovery of proton पे. What is the discovery of proton? Discovery जो हुई proton की, वो कैसे हुई? ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने last time पढ़ा था कि कोई atom है, उसके अंदर कुछ ना कुछ subatomic particles थे. There are 3 type of subatomic particles: electron, protons and neutrons. तो electron की discovery कैसे हुई? ये तो मैंने आपको बताया था कि किसने की, J.J. Thomson ने की, कैसे की, आपको मैं discharge tube दिखाई थी, उसने बताया था कि किस तरह से electron की discovery. आज हम लोग पढ़ते हैं discovery of proton. Discovery of proton की हुई by Boole, जो proton की discovery की, जो pure experiment set किया, वो किसने किया? वो Boole ने किया. इसके लिए इन्होंने की यहाँ पर एक operator set किया, एक experiment किया. कैसे हम पता चलेगा कि जो rays है वो positive है या फिर वो protons है? ठीक है, तो यहाँ पर एक anode लगाया, यहाँ पर कुछ perforated cathode लगाई. Model आपने पढ़ा
sphere in which electrons are emitted just like dry foods are distributed in pudding. ठीक है, तो ये ऐसा मॉडल है जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसमें इम्बेडेड है. ठीक है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन है जो इम्बेडेड है. जिस तरह से आप किसी पुडिंग में आइसक्रीम में ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो जो ड्राई फ्रूट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और पूरी जो आपकी आइसक्रीम पूरा जो बेस है वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो कुछ ये मैटर होता है किसी एटम में प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का. राइट, सो द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज. तभी हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल होगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा. और अगर कोई एटम न्यूट्रल नहीं है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है. सो द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज. टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. इसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई. हमने दो तरह के सबएटॉमिक पार्टिकल्स पाए लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. उनकी डिस्कवरी हो गई. आफ्टर हमने वो किया कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं, जस्ट लाइक बहुत सारे